हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू BDL की पाठशाला। मेरा नाम है बादल सिंह और आप लोग देख रहे हैं BDL की पाठशाला। अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड पार्ट ऑफ टेंस विच इज़ पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस क्या होता है? जो भी काम हमारे पहले हो चुका है उसे पास्ट टेंस कहते हैं, तो सबको मालूम होगा। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में देखने के लिए पहली वीडियो देख लें, जो कि लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दी गई है। इसी मेरी पहली वीडियो है टेंस के ऊपर, इसको पहले देख लें तभी ये वीडियो समझ में आएगी आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? देयर आर फोर टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। फोर टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट के बारे में जिसे नहीं पता, चारों सब पार्ट के बारे में पहले वीडियो देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। सेकेंड पार्ट इज़ पास्ट कॉन्टीन्यूअस, द थर्ड पार्ट इज पास्ट परफेक्ट एंड द फोर्थ पार्ट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो इन्हीं चारों पार्ट के बारे में हमको पढ़ना है आगे वीडियो में, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? इंडेफिनिट के बारे में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो देख लें पहली वाली, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये अफर्मेटिव का रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बयान नहीं आता है तो भी वीडियो पहली देखें, पहली वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ही एट हिज फूड, उसने अपना भोजन खाया। एट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ ईट। दे डिड नॉट गो टू हिज कॉलेज, वो अपने कॉलेज नहीं गया। डिड ही लर्न द पोयम, क्या उसने अपने पोयम अपनी कविता याद की। तो ये चीज़ें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आती हैं, जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। सेकेंड पार्ट इज पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव का रूल है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाज वर्ब प्लस वर्ब का ing फॉर्म, इसमें ing फॉर्म यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा। सी वॉज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही थी। वॉज राइटिंग, राइटिंग इज द ing फॉर्म ऑफ राइट। दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, दे इज प्लूरल देन वर, वर इज यूज विथ प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। वाई वर वी रनिंग विथ देम। तो दिस इज, देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव का रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म विथ हैड, इसमें सिर्फ हैड ही का प्रयोग होता है, हैड के अलावा और कुछ नहीं प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल, राधा हैड रीड द बुक, रीड द पोयम, राधा ने पोयम पढ़ी थी। रीड इज थर्ड फॉर्म ऑफ रीड, रीड का तीनों फॉर्म सेम होता है। राहुल हैड नॉट डन हिज वर्क, राहुल ने अपना कार्य पूरा नहीं किया था। हैड वी कम टू स्कूल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का अफर्मेटिव का जो रूल है वो है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है मिस्टेक हो गया है, तो उसके लिए सॉरी, ऑब्जेक्ट जगह टाइम कर लें। एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैड बीन स्पीकिंग हिंदी सिंस 5 ईयर, वो पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रही थी। जिसे सिंस या फॉर का यूज़ नहीं आता है उसे मैं बता देता हूँ, अगर अच्छे से भी जानना है तो पहली वीडियो देखें, उसमें सिंस या फॉर के लिए अच्छे से वीडियो में बताया गया है। सिंस का प्रयोग होता है टू इंडिकेट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फॉर इज यूज फॉर इंडिकेट स्पेस पीरियड ऑफ टाइम। इसमें मतलब ये है कि हम किसी पॉइंट को दर्शाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम को, जैसे 1905 2005, तो ये पॉइंट है टाइम है। तो ये सिंस का प्रयोग होगा फॉर एक पीरियड ऑफ टाइम के 2 घंटे के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगी ऑन फ्यूचर टेंस। तो तब